भाइयों और बहनों, समय और जरूरत के साथ बदलाव करना, यही कच्छ की गुजरात की ताकत है। आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों की खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ डेढ़ दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण ये रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े दो सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। अब आज अंजार की सरहद डेयरी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं कच्छ में डेयरी होनी चाहिए इस बात को लेकर के शुरू में बात करता था तो जिससे मिलूं सब निराशा की बात करते, सब कहते थे साहब क्या अब यहाँ क्या, ठीक है थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर देते हैं। मैंने कहा भाई छोटे से भी शुरू करना है, देखते हैं क्या होता है। वो छोटा सा काम आज कहां पहुंच गया देखिए। इस डेयरी ने कच्छ के पशुपालकों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ साल पहले तक कच्छ से, और वो भी बहुत कम मात्रा में, दूध को प्रोसेसिंग के लिए गांधीनगर की डेयरी में लाया जाता था, लेकिन अब वही प्रोसेसिंग अंजार के डेयरी प्लांट में हो रही है। इससे हर दिन ट्रांसपोर्टेशन में ही किसानों के लाखों रुपये बच रहे हैं। अब सरहद डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट की क्षमता और बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में यहां का डेयरी प्लांट हर दिन 2 लाख लीटर ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इसका आसपास के जिलों के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लस्सी, मक्खन, खोआ जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा।